सब्जेक्टिव शीट नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, सब्जेक्टिव शीट नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट हो गया था ये, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, यस सर। 3 में बॉडी जिस अब मास 2 केजी है इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो एक बॉडी है ये 2 केजी का मास है और ये रेस्ट पे है और इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स है और कितनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए लगती है पैरेलल टू दी सरफेस। और आपको वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.2। कैलकुलेट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। एक काम करो, पहले ये बताओ कि 10 सेकंड में बॉडी ने एस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बस ये निकालो, वर्क डन को छोड़ो। अब ये प्रॉब्लम फोर्स की प्रॉब्लम है, क्यों फोर्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि 20 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर कहाँ एक्ट कर रही है, राइट और लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स एम जी। म्यू कितना है, 0.2, एम कितना है, 2 और जी कितना है, 10, तो कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। तो अब ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, 20 - 4 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अब अगर ऐसी बॉडी मूव करती है फॉर 10 सेकंड तो एस कितना कवर करती है, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितनी है, 8 इनटू टाइम कितना है, 10 का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 × 100, तो कितनी आएगी, 400। ठीक हो गया, ए की वैल्यू आ गई राइट, ओ सॉरी एस की वैल्यू आ गई, यहाँ पर एस की वैल्यू आ गई, ये लो, तो एस आ गया 400 मीटर। अब शुरू करते हैं पहला पार्ट, क्या निकालना है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। देखो अप्लाइड फोर्स कितनी है इसमें, 20, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 400। आंसर एक आंसर, क्योंकि वर्क डन अप्लाइड फोर्स है तो फोर्स अप्लाइड ही यूज करनी है और कोई यूज नहीं करनी। सेकंड पार्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड का मतलब क्या निकालना है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लूँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्या, कौन सी फोर्स, नेट फोर्स। ये किया था ना, वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है इसमें 20 में से क्या गया, 4, 20 - 4 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें, 400। आंसर, तो जो भी नेट वर्क डन, जो वर्क डन होगा बाय नेट फोर्स, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। हालांकि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पर यू जीरो लें, आप यहाँ पर वी निकाल लें काइनेमेटिक से, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। वैसे कर ले या ऐसे कर ले, एक ही बात है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। कोई डाउट इसमें? वैसे लोगों को वो ज्यादा समझ में आता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यू जीरो कर ले, यहाँ पर वी निकाल लें, वी तो निकाल लेंगे वी यू प्लस 80 से, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आंसर सेम आएगा। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्वेश्चन नंबर 4 गिरा, फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेशन में लंबा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दो पार्टिकल्स हैं, तो आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितने गिवन है, 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे के का मतलब किलो, और प्रोटॉन की एनर्जी कितने गिवन है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब किलो का मतलब होता है कि 5 × 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 × 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम फिजिक्स में सीखेंगे, हो सकते काइनेटिक केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी सीखा हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो रूल है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसे क्या कर देना है,
मल्टीप्लाई, अब एनर्जी किस में आ गई, जूल में, ये याद रखने आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे आपने कन्वर्ट करना है, किसमें, जूल में। उसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ पर 50 × 10³ 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल टू 1/2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये पूरी टर्म आ गई। ऐसी एक काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, ये पूरी एनर्जी आ गई। मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, यहाँ से सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और प्रोटॉन की वेलोसिटी आ गई। फिर आपने यही निकालना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा। तो आपको इसके लिए पहले तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री से पता होना चाहिए, वो वैल्यू पुट करके आपको वेलोसिटीज आएंगी। कैलकुलेशन वाइज काफ़ी लंबा है, अदरवाइज आपको कुछ करना नहीं है, आप बस इसको डिवाइड कर लें, आपके अपने आप आंसर आ जाएंगे। फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको, बस मेथड सिखा सकता हूँ, अंडर रूट निकालना नहीं सिखा सकता। मेथड क्लियर है कैसे करना है, ठीक है? हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे बड़े कैलकुलेशन के, बट आपको आइडिया दे दिया कि कैसे करना है। ठीक है, फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 5 का सेकंड पार्ट, 5 के सेकंड पार्ट में न्यूट्रॉन का मास गिवन है, इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ वी भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज फोर्स इट विल एग्जर्ट इन एंटरिंग अ बॉडी टू अ डेप्थ ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। तो आप देखो, जब कोई पार्टिकल एक बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो बॉडी उसके ऊपर क्या लगाएगी, कौन सी फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी और उसको रोक देगी। कोई भी पार्टिकल एक बॉडी में एंटर कर रहे हैं ना, कितना एंटर कर पाया, 0.01 सेंटीमीटर। तो इमेजिन करो ये बॉडी है जिसकी लेंथ की वैल्यू कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, ये लो, और फाइनली ये पार्टिकल यहाँ पे आके रुक गया, तो वी से एंटर करता है और फाइनली रुक जाता है, राइट? तो इसके अंदर ये बॉडी इसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स, इसको रोकने की फोर्स। तो हमने लास्ट टाइम किया तो था, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है, 0 − 1/2 × mv², ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वर्क इज डन बाय द बॉडी या ऑन द पार्टिकल, कितने डिस्टेंस तक, 0.01 × 10⁻²⁻² तक। एफ निकाल लेना, एफ आ जाएगा, बेसिकली वो आपसे रेजिस्टिंग फोर्स पूछ रहा है अंदर बॉडी में क्या कर रही है, क्योंकि रोकने का काम कौन करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स ही करेगी इसमें। क्लियर है यहाँ तक? एफ कैन बी कैलकुलेटेड, कोई प्लैंक की जगह उसने बॉडी बोल दी और तो कोई फर्क ही क्या है इसमें, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट। 8th में, अगर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, तो अगर मोमेंटम पी है तो नया मोमेंटम क्या है, पी प्लस 50% ऑफ पी, यानी कि कितना, 150/100 × पी, यानी कि कितना, 3/2 पी। क्या निकाल लें, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी E′-E/E × 100। E' क्या होगा, P′²/2m, E क्या होगा, P²/2m, और E क्या होगा, P²/2m × 100। तो कुछ नहीं करना, इस P' को उठा के यहाँ पुट करना है, सॉल्व करो, आंसर आएगा इसमें, परसेंटेज आ जाएगा, P² और m ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा सॉल्व? कितने लोगों ने ट्राई की असाइनमेंट, ये की थी, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इसमें करना है? क्लियर है? पेपर में आएंगे फिर क्वेश्चन, ये मैथ्स कर लोगे ना, P से P² P² कैंसिल, तो जब यहाँ पुट करेंगे P' की जगह 3/2P² / 2m - P² / 2m /
p square by 2m into 100. P square, 2m, 2m, cancel, answer आ जाएगा. Orally हो जाएगा ये तो. 9 by 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 9 by 4 minus 1 into 100 answer. ठीक है. Next question number 8 के बाद question number 9. हो गया 9? तो 9th में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%. तो एनर्जी अगर ई है, अब नई एनर्जी कितनी है, ई माइनस 19% ऑफ ई, तो कितना हो जाएगा 80. ये लो नई एनर्जी आ गई. आपको बताना है परसेंटेज डिक्रीज. डिक्रीज का मतलब पहले मोमेंटम अगर पी है, अब मोमेंटम पी डैश है और डिक्रीज हो गया, तो कौन बड़ा, पी की पी डैश, पी डैश कैसे बड़ा होगा, डिक्रीज हो गया, पैसे कम हो गए भाई, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, तो ये बड़ा और ये छोटा. ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज बताना है. परसेंटेज डिक्रीज का मतलब पहले मोमेंटम पी था, फिर कितना हो गया पी डैश अपॉन पी इंटू 100, ऐसे होगा. तो इसके अंदर मुझे पता है एनर्जी जब ई थी तो मोमेंटम क्या था, पी स्क्वायर बाय 2m. ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू एनर्जी. नया मोमेंटम क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू एनर्जी की जगह 81 बाय 100 इंटू ई. क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, पी की जगह पी डैश. तो यहाँ पर पुट कर देते हैं पी की जगह अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई, पी डैश की जगह 2 इंटू एम इंटू 81 ई डिवाइडेड बाय 100, पी की जगह अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई इंटू 100. प्लीज सॉल्व करना इसे और आंसर निकालें, आंसर आएगा 10%. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है. प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस देख के नहीं समझ में आएगा, पेपर नहीं होगा सॉल्व. आपने कर लिया फिर होगा सॉल्व, याद रखना ये फॉर्मूला. देख के लगेगा हो जाएगा, नहीं होगा करके होगा. ठीक है, नेक्स्ट 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th में डाउट. 10th में पहेली सी है यार, कुछ कोई बॉय और मैन दोनों रन कर रहे हैं, तो ये मैन है और ये बॉय है. वो कह रहा है कि रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय ऑफ हाफ इज मास है. तो मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉय की काइनेटिक एनर्जी से हाफ है. क्या ये पहला स्टेप क्लियर है, मैन की काइनेटिक एनर्जी हाफ है बॉय से, और मैन का मास क्या है, बॉय ऑफ हाफ इज मास. तो अगर मान लो इसका मास m है तो बॉय का मास m बाय 2 है. तो मास भी गिवन है और काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, क्लियर है. अब मेरे को क्योंकि केस नंबर 1 में ये गिवन है, काइनेटिक एनर्जी मैन की इज हाफ इनटू काइनेटिक एनर्जी बॉय की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू मास ऑफ मैन कितना है m, और वेलोसिटी कितनी है, मान लो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, हाफ इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास ऑफ बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या जाएगी 1. कोई डाउट इसमें, m से m कैंसिल, तो v भी vm का एक रिलेशन आएगा. ठीक हो गया. फिर वो कहता है केस नंबर 2. केस नंबर 2 में वो कह रहा है इस केस में मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड. चलो जी, मैन ने स्पीड अगर इतनी थी तो स्पीड कितनी हो गई, इतनी होगी, बॉय ने नहीं चेंज की, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की एग्जैक्टली सेकेंड केस में क्या हो गई, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई. तो केस नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू मैन की नई वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू एम बाई 2 इंटू बॉय की वेलोसिटी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बॉय एंड मैन कैन बी कैलकुलेटेड. दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है,
डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 11,